बाल्टीनी भी और अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, माशाल्लाह एक बहुत ही खूबसूरत दिन के आगाज़ के साथ अपने चैनल पर आने वाले तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप भी खैर आफियत से होंगे। तो हमारा जो इलाका है ये तकसीम हिंदुस्तान से पहले हिंदुओं और सिखों का एक बहुत बड़ा घर हुआ करता था। यहाँ पर बड़ी तादाद में हिंदू और सिख लोग रहते थे, और जब फिर 1947 में तकसीम हिंदुस्तान हुई तो बाद में फिर हिंदू और सिख लोग यहाँ से माइग्रेट करके इंडिया चले गए थे। तो बचपन में जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ा करते थे, हमारे साथ ही गांव है सौदरे की, तो वहाँ पे हमारे एक टीचर हुआ करते थे जिनका नाम बोलाराम था। वो भी साथ वाले गांव से थे, और उनके गांव का नाम पूरब क्लेर था। तो पूरब क्लेर आज भी ऐसा गांव है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिंदू और सिख लोग आज भी रहते हैं। तो हमारे जो साथ वाला गांव सौदरे की है, वहाँ पे अभी भी एक सिखों का एक गुरुद्वारा बना हुआ है। तो काफ़ी अच्छे से मैं सोच रहा था कि उसको मैंने कवर करना है, उसके ऊपर वीडियो बनानी है। तो आज मैं जी आपको वो गुरुद्वारा दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा ड्रोन रेडी खड़ा है जी, इसकी अभी बढ़ते हैं हम उड़ान और बेचते हैं इसको साथ वाले गांव। तो फ्रेंड्स, अभी हमारा ड्रोन पहुंच चुका है जी इस इमारत के बिल्कुल करीब। आप देख रहे हैं ये वाली इमारत, मेरे ख्याल से तो मुझे यही लगता है कि ये सिखों का गुरुद्वारा था यहाँ पे। और अभी यहाँ पे ये अकेला ही बिल्कुल एक गुंबद नमासा कमरा बाकी है। शायद इसके गर्दनवाह में भी कुछ यहाँ पे कुछ इमारतें हों, लेकिन वो मस्मार कर दी गई हों। तो बचपन में हम यहाँ से इसके करीब से गुजरा करते थे। हम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल यहाँ पे जो सौदरे की गांव है वहाँ पे जाया करते थे पढ़ने के लिए। तो काफ़ी अरसे से मैं सोच रहा था इसके ऊपर वीडियो बनाने के बारे में,
तो फाइनली आज हम जी पहुंच चुके हैं इस इमारत के करीब। अगर कोई आदमी हमारी वीडियो देख रहा है और वो इस इमारत के बारे में जानता है तो वो हमसे रब्ता करे। ये गांव सोदरे की, इसके गर्दनवाह में गांव मोले की बेड़ियां, बीलों की, लाले वाली, जसोरा, चुंडा से बड़ियाना के बिल्कुल दरबार में ये वाला गांव वाक़ है। और यहाँ पे जी गांव के बाहर की तरफ ये वाला एक गुरुद्वारा अभी मौजूद है। इसके अंदर एक बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं जो कि मकामी यहाँ पर रहने वाले हैं, और इनका थोड़ा सा ना जहनी तोज़न ख़राब हो चुका है, तो मुझे थोड़ी सी हैरत हो रही है इनको इसके अंदर बैठा हुआ देख के। मेरे ख्याल से ये यहीं पे सोते हैं, इसके अंदर ही इनका जो है वो बस्तर भी पड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कुछ शायद वो बुज़ुर्ग खा रहे हैं अभी बैठ के यहाँ पे। तो ये बुज़ुर्ग यहीं पे मकामी हैं, इनका नज़दीक ही यहाँ पे डेरा है, और इनका ना जहनी तोज़न ख़राब है काफ़ी अच्छे से, इनको तो मैं जानता हूँ। तो ये इसके अंदर ही रहते हैं आजकल।